आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। जैनों के लिए महावीर जयंती बेहद अहम पर्व होता है क्योंकि आज के ही दिन भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। हर साल जैन परिजन इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। आमतौर पर मंदिरों में भव्य पूजाएं की जाती हैं और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष की तरह इस बार सभी ने इसे घर पर ही मनाया। सभी ने अपने घरों में दीप जलाए, परिवार के साथ खुशियां साझा की और कामना की कि जल्द ही इस महामारी से हर किसी को निजात मिले। जयंती के मौके पर शहर से भव्य जुलूस निकलता था जिसमें जैन समाज के पुरुष, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल होते थे। कोरोना के कारण लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर भी वर्चुअल रूप से महावीर जयंती मनाई और अपने करीबियों को इंटरनेट मीडिया पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें का संदेश देकर महावीर जयंती की बधाइयां दी। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। कोरोना अवधि के दौरान वेकोली ने कोविड 19 के लिए अपने स्वयं के अस्पतालों को दान करके एक उदाहरण स्थापित किया। ये लालपेट में वेकोली का सुसज्जित अस्पताल है। ये देखते हुए कि इस अस्पताल में भी कोरोना के रोगियों को उचित उपचार दिया जा सकता है। विधायक किशोर जोरगेवार ने मांग की है कि प्रशासन को ऑक्सीजन की आपूर्ति करके अस्पताल को कोरोना रोगियों के इलाज की अनुमति देनी चाहिए। रविवार को विधायक किशोर जोरगेवार ने अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां किए गए उपायों की समीक्षा की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ज्योति चंद्रगढ़े, डॉक्टर सैलिन चौधरी, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधन सीतारमण, कार्यालय अधीक्षक नागेश भंडावर के साथ युवा चंदा, ब्रिगेड कलावार मल्लारप, प्रेम गंगाधर उपस्थित थे। हालांकि प्रशासन कोरोना के प्रकोप को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसलिए अब हमें कोरोना रोगियों के बेहतर उपचार के साथ साथ कोरोना की बढ़ती घटनाओं को कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थिति गंभीर होने पर भी उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके रोगियों को सही उपचार दिया जा सकता है। विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि उस दिशा में योजना की जरूरत है। वेकोली प्रशासन ने कोरोना के लिए अपना अस्पताल उपलब्ध कराने की पहल की है। विधायक किशोर जोरगेवार ने भी कहा कि जिला प्रशासन को इसमें उनकी मदद करने की जरूरत है। इस बीच रविवार को उन्होंने लालपेट में वेकोली अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां किए गए उपायों की समीक्षा की। यहां प्रचुर मात्रा में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, 50 बेड बहुत साफ हैं। ये सभी कारण कोरोना अस्पताल शुरू करने के पूरक हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण अस्पताल कोरोना रोगियों की सेवा करने में अयोग्य है। इसलिए विधायक किशोर जोरगेवार ने मांग की है कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सदर वेकोली के अस्पताल को यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था शुरू की जाए। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चैनल पार्थशर समाचार हे चालू केलेला आहे। हे चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने ने जिले में उत्पादित ऑक्सीजन के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना अनुमति के औद्योगिक क्षेत्रों में ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निवासी डिप्टी कलेक्टर मनोहर गावल को जिला ऑक्सीजन नियंत्रण अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने और जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे ने कल MIDC को सूचित किया। उन्होंने यहाँ आदित्य ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार वहाँ ऑक्सीजन वितरित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी जाँच कि ऑक्सीजन का उत्पादन कितना और कैसे और कहां वितरित किया गया था। जिला कलेक्टर गुल्हाने ने जिले में ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और समस्याओं को हल करने में मदद करने का भी वादा किया। इस अवसर पर तहसीलदार निलेश गौंड और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक स्वप्निल राठौड़ उपस्थित थे। मी विवेक उरकुडे, नागपुर मध्ये सुरू होणारा राजेश नायडू द्वारा पार्थशर समाचार यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। चंद्रपुर जिले के पूर्व पालक मंत्री भाजपा नेता संजय देवतले का निधन हो गया है। देवतले 4 बार कांग्रेस के टिकट पर वरूरा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। वो जिले के पालक मंत्री होने के साथ साथ राज्य के पर्यावरण मंत्री भी थे। वो 2014 के चुनावों में भाजपा में शामिल हुए थे लेकिन हार गए। उन्होंने 2019 में शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन फिर से हार गए। वो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गडकरी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए थे। देवतले परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया।
पिछले 6 दिनों से नागपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व राज्य मंत्री संजय देवतले के निधन के बाद विधायक किशोर जोरगेवार ने समाज के प्रति संवेदना व्यक्त की। जोरगेवार ने कहा कि देवतले ने लगातार 4 बार वरूरा भद्रावती विधानसभा का नेतृत्व किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने शांत स्वभाव के साथ श्रमिकों को जोड़कर संगठन को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में उन्होंने कई स्थानीय निकायों पर पार्टी के झंडे फहराए। उन्हें कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके जाने से आज राजनीतिक क्षेत्र पर भारी असर पड़ा है। विधायक किशोर जोरगेवार ने शब्दों में अपनी संवेदना व्यक्त की है। भगवान इस दुख से उबरने के लिए उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना की।